बस और 25 साल। 2045 में मौत अनिवार्य सत्य नहीं बल्कि एक ऐसा विकल्प होगी जिसे इंसान चाहे तो चुने, न चाहे तो अमर हो जाए। ये दावा दो जेनेटिक इंजीनियर्स का है। जेनेटिक इंजीनियर जोस लुई कार्डिरो और डेविड वुड का दावा है कि अमरता कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है और पूरी तरह विज्ञान सम्मत है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने डेथ ऑफ डेथ नाम से एक किताब लिखी है जिसमें अपने इस सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है। उनका कहना है कि 2045 के आसपास से आदमी की मौत केवल हादसों में होगी, न ही कोई बीमारी से मरेगा, न किसी की नेचुरल डेथ होगी। दोनों इंजीनियर्स का ये भी दावा है कि तब बुढ़ापे को बीमारी माना जाएगा और उसका इलाज किया जा सकेगा। ये काम नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। इसके लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा कैसे होगा, बढ़ती उम्र पर कैसे ब्रेक लगेगा, बुढ़ापे को किस तरह रोका जा सकेगा। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए खराब और बुरे जीन को स्वस्थ जीन में बदलना होगा, डेड सेल को शरीर से निकालना होगा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करनी होगी, स्टेम सेल से इलाज करना होगा, 3D प्रिंटिंग से शरीर के अहम अंगों का निर्माण करना होगा। दूसरे वैज्ञानिक भी ये कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में 3D टेक्निक से अंगों का निर्माण लोगों की जान बचाएगा। इनमें से एक जेनेटिक वैज्ञानिक कॉर्डिरो अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नहीं मरने का विकल्प चुना है और आने वाले 30 सालों में वो आज के मुकाबले ज्यादा जवान होंगे। दोनों जेनेटिक इंजीनियर बुढ़ापे के इलाज की बात कर रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इंसान बूढ़ा क्यों होता है। क्रोमोसोम में मौजूद DNA की पूंछ यानी टेलमीर के छोटा होते जाने से आदमी बूढ़ा होता है। यदि इस टेलमीर की लंबाई बढ़ाने में कामयाबी मिलती है तो बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। टेलमीर वक्त के साथ क्षतिग्रस्त और छोटा होता जाता है। धूम्रपान, शराब पीने और प्रदूषण से शरीर में जहरीले पदार्थों के प्रवेश से भी इसे नुकसान पहुंचता है जिससे इसकी लंबाई घटती जाती है। जितनी तेजी से लंबाई घटती है बुढ़ापा उतनी तेजी से आता है। कैंसर कोशिकाओं के जरिए इतना तो साबित हो चुका है कि कोशिकाएं अमर होती हैं। हेनरिटा लेग की मौत 1951 में कैंसर से हुई थी। डॉक्टरों ने उनके कैंसर युक्त ट्यूमर को निकालकर अभी तक प्रिजर्व रखा है और आपको हैरानी होगी कि उसमें कैंसर सेल अभी भी जीवित हैं। इन जेनेटिक इंजीनियर्स ने जो सिद्धांत सुझाए हैं उन्हें माने तो शरीर की कोशिकाओं को अमर बनाया जा सकता है। शरीर की कोशिकाएं अमर होंगी तो मौत भी बीते दिनों की बात हो जाएगी।